ओके सो गाइस फाइनली आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कोडी रोड वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच कब, कहां और कैसे होगा। सब कुछ बताऊंगा आपको आज की इस वीडियो में। और अगर आप लोगों को ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगती है तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो कोडी रोड वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच जो कि समर स्लैम के लिए ऑलरेडी WWE ने टीज करना स्टार्ट कर दिया है। आपने स्मैकडाउन में भी देखा ही होगा लास्ट वीक। और ना भाई, कोडी रोड वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच होने वाला है, वो भी एट समर स्लैम। इसका हिंट हमें किंग ऑफ द रिंग में भी मिला है। अब आप लोग सोच रहे हो कि क्या भाई, क्या कुछ भी बोल रहा? नहीं भाई, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपने रैंडी ऑर्टन के हारने पे ध्यान दिया होगा, जैसे कि पिन, जब उनका पिन फॉल हुआ तब रैंडी ऑर्टन का भाई एक शोल्डर पूरा का पूरा हवा में था। एंड WWE के रूल्स के हिसाब से अगर आपके अपोनेंट का शोल्डर जो है वो हवा में है तो उसको पिन नहीं माना जाएगा। और भाई तुम इस बार मुझसे ये लिख के ले लो कि इस बार समर स्लैम में हमको रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स का मैच देखने को मिलने वाला है, वो भी अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए। अगर ये मैच नहीं होता तो क्या? अगर ये मैच नहीं होता समर स्लैम में तो भाई तुम मेरे इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर बात रही इस मैच को कौन जीतेगा, तो यार सब कुछ क्या एक ही वीडियो में जान लोगे, थोड़ा वेट कर लो। इसके ऊपर मैं एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक के ऊपर। रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स की बात अगर एक ही वीडियो में खत्म कर दी तो ना तुम लोगों को मजा आएगा और ना ही मेरे को मजा आएगा। और हाँ भाई, तुम में जितने भी लोग बोलते हैं ना कि क्या भाई तेरा WWE से कोई कनेक्शन है क्या, भाई हाँ, मैं बात को पहले भी प्रूव कर चुका हूँ। मेरे सचमुच में WWE के साथ कनेक्शन है। मैं काफी सारे WWE सुपरस्टार साथ मिल भी चुका हूँ, चाहे वो इंडियन हो या चाहे फिर वो बाहर के विदेशी हो। और अगर तुम लोगों को इस बात का प्रूफ चाहिए तो अभी इस वीडियो पे 20 लाइक कर दो। तुमको कल ही की वीडियो में मैं प्रूफ दिखा दूंगा कि मैं WWE सुपरस्टार से मिल चुका हूँ, मेरा सचमुच में कनेक्शन है WWE के साथ। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।